मैं जाऊं बेंगलोर, बाय करो भाई को, बाय बाय। हाँ जाओ छोटो, कौन सी वाली देख रहे भाई? लीलैंड वाले काफी भाई पूछते हैं ना छोटा स्टीयरिंग हमारे लिए है या नहीं। भाई ये वाला है, देख रहे हो, हर गाड़ी में आ जाएगा ये वगैरह। देख रहे हो अलग अलग वैरायटी की, देख रहे हो कलर में भी मिल जाएंगे ये वाले, देख रहे हो। मुझे काफी भाई ना ये मतलब जो भाई कालीने वगैरह पूछते रहते हैं ना, ये देख रहे हो कालीने अलग अलग टाइप की मिलेगी यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस सुबह के 11 बज चुके हैं भाई और फाइनली हम पहुंच चुके हैं ढाबा वाली। तो गाइस सोचा आज का व्लॉग यहीं से करते हैं कंटिन्यू, अभी तक जिन मैंने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस कर दो। मेरे साथ है आज नदीम भाई की गाड़ी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई, एक साल के बाद अपने भाई से मिल रहा हूँ, ठीक है। अपना बच्चा रहा वहाँ पर भाई, हमने रात को किए थे अनलोड और भाई मेडिसिन जम्मू से लेके आया, तो अचानक ना सुबह सुबह रात को हम सो गए थे रास्ते में, सुबह सुबह भाई अचानक मिल गया। तो भाई जा रहे हैं बैंगलोर और तो यहाँ से रखते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। और गाइस सुनने में आया कि ढाबा वाली में ना बॉर्डर वगैरह बंद है, तो देखते हैं। वहाँ से ननू भाई को फ़ोन किया, यहीं का भाई अपना वो आएगा, वो रास्ता दिखाएगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, नदीम भाई आ जाए, यहाँ से निकलते हैं, कहीं चाय वगैरह पीते हैं, फिर रखते हैं अपना कंटिन्यू सफर। आ चुके हैं नदीम भाई की गाड़ी पर, नदीम भाई भी आ चुके हैं, अभी फ्रेश वगैरह हो लिया हमने, मुँह हाथ धो लिया। तो आप कहीं होटल पर रुकेंगे भाई और वहाँ चाय वगैरह पियेंगे, फिर खाना वगैरह तो अपना ही बनाएंगे ना। मेरी गाड़ी में गैस वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी चलो गैस वगैरह यहाँ से भरवा लेंगे। और अपने साथ आगे इरफान भाई, अपने गांव के अपने घर के बंदे, और नदीम भाई को आपको पता भी है, मासू भाई का बड़ा भाई है भाई, काफी भाई को नहीं ना पता। आज का सफर ना नदीम भाई के साथ होने वाला है, ठीक है। देखो भाई अगर मैं आता हूँ ना किसी गाड़ी में भी, जो भी अपनी गाड़ी आती है मैं उस गाड़ी में बैठ जाता हूँ, पता अच्छा लगता है मुझे भाइयों से बातें बातें करना, फिर टाइम निकालना अच्छे से, ठीक है। और यहाँ रुकेंगे, गाड़ी के लिए कुछ सामान वगैरह लेना है वो भी लेंगे। ये रही नदीम भाई की गाड़ी, भाई देख रहे हो वासु के पास ना 10 टायर है और भाई के साथ ना है। और यहाँ भी देख रहे हो मेरे यार का इंस्टाग्राम आईडी क्यों है यहाँ पे हर गाड़ी पे। और भाई बाकी ना रेडियम वगैरह आपकी भी डीम हो गई है, इकट्ठे करवाएंगे जब भी करवाएंगे। तो चलो भाई चलते हैं शॉप पे, पहले चाय वगैरह पी देना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, उसको ला करके आ जा गाड़ी, छोटे को भी लेके आ। नदीम भाई कौन बोलता है कि घोड़ा कच्चा माल नहीं ढोता भाई ये देख रहे हो ओए होए आलू लेके भाई जा रहे हैं, मतलब कश्मीर में ना एक बार घोड़ा एप्पल भी दो तीन बार मैंने देखा लेके आया, ठीक है। घोड़ा आज घोड़े वाला भाई ना इन्होंने आलू लोड किए, शायद बॉर्डर बंद है नहीं जाने दे रहे हैं गाड़िया, खुली है बॉर्डर, बॉर्डर खुली है, कहाँ के लिए लोड किया मानना पड़ेगा भाई, घोड़े पे कच्चा माल। ये रही भाई शॉप, कुछ लेना है पहले कुछ खा पी ले। ये रही भाई की शॉप, भाई सब क्या हाल है? एकदम बढ़िया बढ़िया, सारा सामान मिलेगा? हाँ सब कुछ मिलेगा, ट्रक का सारा सामान भाई यहाँ से मिलेगा, देख रहे हो। ओए होए होए क्या बात है, क्या बात है। मतलब जो भाई कालीने वगैरह पूछते रहते हैं ना, ये देख रहे हो कालीने अलग अलग टाइप की मिलेगी यहाँ, देख रहे हो अलग अलग टाइप की। अभी तो गर्मी है, चलो सर्दी में डालेंगे। ये भी ट्रक की है सारी, देख रहे हो भाई अलग अलग डिजाइन सारे, तकिए वगैरह यहाँ पे, बाकी देख रहे हो यहाँ गद्दी वगैरह जो भी है सब कुछ यहाँ से। चलो देखते हैं क्या पसंद आ रहा है, पहले चाय वगैरह पी लेते हैं ना, ठीक हो भाई? बढ़िया, चलो आते हैं फिर आपके पास। कुछ ये दिखाओ, ये वाली पॉलिश हमने ऑलरेडी की हुई है, छोटू है ना अपने पास? नहीं है, है। नहीं। तो भाई ये रही भाई की शॉप, और भाई शॉप का एड्रेस कहाँ का है दिखाना, बोला मिट्टी का तेल, एड्रेस कौन सी जगह है ये? डब्बा वाली, हाँ। तो भाई ये बीकानेर मतलब राजस्थान के भाई हैं अपने, और यहाँ शॉप वगैरह कर रहे हैं। अब ये नहीं बोलना कि भाई आपने बोला तो ये सरांद की शॉप है, सरांद वाली नहीं है, सरांद अलग है। और यहाँ झूमर वूमर जो भी गाड़ी में भाई शौकीन से ये चूड़ी वूड़ी जो भी लगाते हैं ना भाई, देख रहे हो जो भी चीज़ लगाते हैं सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ देख रहे हो ये भी, जो जो भाई इधर से आ रहे हैं ना वो यहाँ रुक के आराम से ले सकते हैं। और व्हील कप वगैरह देख रहे हो अलग अलग वैरायटी की, देख रहे हो कलर में भी मिल जाएंगे ये वाले, देख रहे हो। मुझे काफ़ी भाई ना ये सजेस्ट करते हैं राजा भाई छोटे वाला लगाओ, लेकिन भाई छोटे वाले में ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं छोटे वाला नहीं लगाता, देख रहे हो। स्टील में भी इनके पास है भाई। छोटू आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? ये बंदा जो है ना, तो अभी यहाँ क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो यहाँ? हम तो अभी स्कूल से आए हैं ट्यूशन जाके। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या सोचा है कि मतलब दुकान चलानी है, बड़े होकर कुछ बनना भी है? नहीं आईपीएस बनना है। हैंडशेक करो, अगर रब करे आप आईपीएस बन जाओ, हमेशा ट्रक वालों का ख्याल रखना, ठीक है। कौन सी वाली देख रहे हो भाई? लीलैंड वाले काफी भाई पूछते हैं ना छोटा स्टीयरिंग हमारे लिए है या नहीं। भाई ये वाला है, देख रहे हो हर गाड़ी में आ जाएगा ये। इसकी क्या प्राइस है? इसकी मिल जाएगी आपको 2800 रुपए में ये वाला। और ये एक बटन वाला है, पिचपन शुरू का बढ़िया में, और वो आता है 2500 ये वाला, वो भी खत्म है, ये वाला 2500 ब्लैक वाला, वो 2500 रुपए का आता है। चलो सामान वगैरह भी ले लिया भाई, उसके बाद हम आ चुके अपने राजस्थानी ढाबे पे, और आपको अपना राजस्थानी ढाबा भाई दिखा देते हैं, देख रहे हो
ये रहे भाई हमारा, मतलब इसको क्या बोले, टेबल, टेबल ही है ना हमारा, देसी टेबल, बस चप्पल वप्पल नीचे उतारी, ऊपर बैठ के आराम सुकून से खाएंगे, ठीक है। और वहाँ रहे अपने राजस्थानी भाई, देख रहे भाई बाहर से दिखाएंगे एक नंबर यार। पहले भी हम यहाँ खा के गए, वसीम के साथ आए थे पहले, यहाँ वसीम के साथ यहाँ खाना खा के गए पहले, अच्छा दिया था खाना। आज भी खाना वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि 12 बज चुके हैं, वैसे भी अब कहीं रुकना नहीं है, पूरा दिन चलना है, तो टाइम वेस्ट हो जाए, उससे बेहतर है हम लंच वगैरह ही कर लें। कि आज ब्रेकफास्ट तो मैंने किया नहीं, आपने किया नितिन भाई? कहाँ किया मैं आज भाई की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, कभी इधर सो रहा है कभी उधर सो रहा है, टेंशन मत लो, हम साथ हैं ना, सुकून से जाएंगे। ये उस्ताद जी हमारे फुल गाड़ी चलाते हैं, फुल, हाँ गुवाहाटी गाड़ी चलाते रहे ना, चलाते रहे ना आप भाई, दिखाना ज़रा इधर भाई साहब, इधर ले आओ ये इधर ले आओ, ये क्या क्या है इसमें, ये चटनी आ गई, ये चटनी, ये प्याज वाली सांगरी है, दूसरी सांगरी है, सब्जी, हाय हाय हाय, राजस्थानी खाना भाई, क्या बात है, क्या बात है। रोटी दूसरी नहीं आएगी इसके अलावा? तवा वाली रोटी है, रखो भाई रोटी, कौन सब्जी खाओगे? हाँ। ओ, ये उधर दो ना पहले भैया, रख दो रोटी इधर भी एक दो, हाँ हाँ ठंडी हो जाएगी, कोई बात नहीं चलेगी भाई। देख रहे हो तीनों सब्जी वगैरह डाल ली, चाहे चटनी डाल ली, तो चलो भाई अब राजस्थानी खाना ट्राई करते हैं। एक नंबर लस्सी वगैरह अभी आएगा ना, देखो हो चुका है भाई, अपना लंच वगैरह कर लिया भाई, अब रखते हैं अपना कंटिन्यू सफ़र, और बाहर बाहर वाले रास्ते से जाना है, क्योंकि सुनने में आया यहाँ से ना गाड़ियाँ नहीं छोड़ रहे भाई, ठीक है, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं छोड़ रहे क्योंकि यहाँ ना बंद रखी है बॉर्डर किसानों ने, और हमें ना बाहर से घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस ये वाली चीज़ चेक कर रहे हैं भाई, कितना जाम लग चुका है यहाँ पे, मतलब छोटा सा गाँव है, हमें गाँव से आना पड़ता है, और गाँव में ना बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, और देख रहे भाई लंबे घोड़े ना यहाँ आके फंस जा रहे हैं। तो अपने साथ साथ अपने नन्नू भाई हैं, आपको पता है ढाबा वाली में अपने भाई आता है मिलने पक्का, वो आया उसने बोला राजा भाई मैं गाड़ियाँ निकलवा दूंगा। वैसे भी नदीम भाई को ये रास्ता पहले से पता था, लेकिन फिर भी यार भाई का शुक्रिया जो भाई हमारे लिए यहाँ आ जाता है। घूम जाओ भाई। तो भाई हम निकल चुके हैं शॉर्ट रास्ते से, क्या पता रब जाने यहाँ भी जाम होगा या नहीं, छोटा सा रास्ता है बिल्कुल, देख रहे हो एक गांव-गांव से ही जा रहे हैं, क्योंकि भाई ने बोला अगर उन गाड़ी के पीछे जाओगे ना, क्या बोला उसने, अगर उस गाड़ी के पीछे जाओगे तो जाम लग जाएगा। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, एक ही साइड पेड़ और उधर से ना रोड बिल्कुल छोटी सी, देख रहे हो पेड़ भी साथ लग रहे हैं और रोड भी छोटी, और यहाँ टायर आपको दिखा देता हूँ, देखो बिल्कुल कोने पर चल रहे हैं, और आराम से नदी में, आराम से आराम से, अपना बादशाह भी साथ साथ आ रहा है भाई, देख रहे हो क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रही है, यहाँ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है छोटी गाड़ी को फंसाए। चलो भाई निकल गई भाई, वो 25 फुट है ना भाई की गाड़ी, आपकी गाड़ी कितने फुट है भाई? मेरी 28, तभी प्रॉब्लम हो रही है ना लंबी गाड़ी में, फंस चुके हैं भाई, देख रहे हो किसी ट्राली वाले ने ना मतलब वहाँ पत्थर फेंक के चला गया भाई, देख रहे हो ये गलत है भाई, यहाँ से टर लंबी गाड़ी कैसे लेगी, चाचू की तो वो कितने होगी, 24 फुट होगी, 22 फुट होगी ना, 23 फुट की गाड़ी तो निकल जाएगी, अब 28 फुट का क्या करेंगे, और 25 लाई मेन रास्ते पे, ठीक है अब चल रहे हैं अपनी गाड़ी के पास ही, तो यहाँ रहे अपने भाई, मैं पहले भी मिला चुका हूँ, काफ़ी व्लॉग में मिला चुका हूँ, हाँ जी वीरे की हाल है, अपना भाई है नन्नू भाई, जब कोई दिक्कत होती है मैं अपने भाई को फखर से फ़ोन करता हूँ। तो गाइस फाइनली भाई हम आ चुके हैं न्यू हाईवे पे, क्या नाम है इसका, इसका है भारत मान हाईवे पे भाई, देख रहे हो अब ये हाईवे एक्सप्रेस वे है भाई, एक्सप्रेस वे है, सॉरी 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 भाई एक्सप्रेस वे, देख रहे हो ये जा रहा है गुजरात मुंबई वाली साइड, हनुमानगढ़ से पीछे उतरना है, हनुमानगढ़ पार ही हो जाएगा, थोड़ा सा आगे करके उतर जाना, तो चलो भाई इतना के दो चार टूल बच जाएंगे अभी ना, ऐसा सीन है कि टूल यहाँ पे लगे नहीं, और गाइस नजारा देख रहे हो भाई, ओए होए 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 क्या बात है क्या बात है। तो गाइस चल रहे हैं भाई, आज ना मजा ही आ गया भाई, देख रहे हो एक्सप्रेस पे बिल्कुल सीधा, और अपना बादशाह रह गया पीछे, देख रहे भाई भाग रहे कैसे, साथ रखो नदीम भाई साथ रखो, गाड़ी की थोड़े बादशाह की लुक वगैरह दिखा देते हैं भाई, नदीम भाई बैंगलोर जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं भी चला जाऊँ, छोटू को छोड़ देता हूँ इधर ही, लुक चेक कर रहे भाई अपने बादशाह की, कलर की बात कर रहे हो, कलर भी देख रहे हो भाई, काफ़ी भाई बोलते ना कलर फेड हो गया, मैं जाऊँ बैंगलोर, बाय करो भाई को, बाय बाय, हाँ जाऊँ छोटू, बिलकप कहाँ छोड़े, बिलकप आपने चले गए, ओए 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 आज ड्रैग रेस हो जाए, चलो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
बताओ, मैं माँ का बच्चा नहीं हो गया? मैं नहीं सो सकता क्या? नींद आई है यार। है? नींद आई है। आप तो ऐसे सो रहे यार, इतनी जबरदस्त फ्रॉड भी चल रही है, क्या बात है भैया। तो गाइस ये वाली चीज़ चेक कर रहे हैं भाई, ये रहे टूल भाई, देख रहे हो एक्सप्रेस वाले टूल ना ऐसे हैं, यहाँ कोई बंदा वगैरह कुछ नहीं दिखेगा आपको, ऑटोमेटिक ये टूल कटेंगे, देख रहे हो। अभी चालू नहीं हुए ना अभी। ये रोड भी वन साइड से या उस साइड से जाना था? हमें बस टाइम हो चुका है भाई इस रोड को छोड़ने का, क्योंकि अपना सफ़र हो चुका है ख़त्म। अब हमें यहाँ से गुजरात वगैरह नहीं जाना है, तो यहाँ से हम एग्जिट वगैरह कर लेंगे। फिर कहाँ से निकलेंगे? हनुमानगढ़ से। हाँ देख रहे हो भाई, अपने रोड पर हम पहुँचेंगे, वहाँ रही अपनी रोड। चलो भाई यहाँ से नीचे। अरे यहाँ से जगह ही नहीं है तो जगह बनाते हैं ना। बनाते हैं? अरे यार किचड़ है यहाँ से, मुझे नहीं लगता ये एग्जिट वगैरह होगा कुछ, ये बंद कर देंगे ना। अगर बंद कर लिया ना कोई भाई धोखे से आ गया ना, वो सीधा गुजरात से ही उतरेगा आराम से भाई। नदी भाई आराम से ऑफ रोडिंग तो बनती है भाई। आ जाओ नीचे आराम से आओ। ओए होए होए होए, इस रोड पे ना चलना बहुत ही ऑफ रोडिंग तो बनती है भाई। तो यहाँ लग चुके हैं भाई तगड़ी वाला जाम, हर एक भाई गाड़ी वाला यही चाहता है कि मैं एक्सप्रेस से ही जाऊँ। और भाई जब गाड़ी रोड कंप्लीट हो जाएगी ना, तब मुझे नहीं लगता यहाँ से गाड़ियाँ छोड़े। बनेगा एग्जिट ये वाला ना? ये नहीं बनेगा। चलो आगे भाई, हम अपने रोड पे, देख रहे हो अपनी रोड। ओए होए होए होए, तो हम आगे भाई मेन हाईवे पे, और ये रही चाचू की गाड़ी। ओ हो हो, नहीं चाचू नहीं थी, ये 12 टेरी थी। 3 बजने वाले भाई, और हम फाइनली पहुंच चुके हैं रावत सर। और यहाँ देख रहे हो भाई अभी भी नींद कर रहे हैं, भाई को सर में दर्द है फिर भी गाड़ी चला रहे हैं। भाई क्या करें, मुझे भी बहुत ज्यादा दर्द है यार। रावत सर एक ऐसी जगह ना जिस सिटी में ना बहुत ज्यादा रश होता है भाई, देख रहे हो बहुत ज्यादा रश। और ऊपर से ना ये ओवर हाइट वाले ना हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं भाई। देखो ट्रैक्टर अपनी मर्जी से चलेगा, हमें इसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, और साइड पे ऐसी गाड़ियां खड़ी है भाई, जाए तो जाए कहाँ पे। ग्रीस अच्छे से निकालना ठीक है भाई साहब, इधर बढ़िया ग्रीस निकालो। मैं देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, पूरी दुनिया देखेगी आपको। ठीक है भाई, ग्रीस वगैरह करवा। नहीं नहीं करो, गाड़ी बिल्कुल सूखी हुई। हाँ करो ग्रीस। इधर तूने देखा ग्रीस निकालते हुए इनको? सारी जगह से ग्रीस निकालना अच्छे से, ठीक है? बस यही काम है तेरा, ग्रीस पूरी जगह से देखना निकलती। तो अपनी गाड़ी के ग्रीस वायरिंग करवा लेते हैं भाई, क्योंकि ग्रीसिंग ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो ग्रीस वगैरह हो जाए फिर यहाँ से निकलेंगे। और नदी भाई की गाड़ी वहाँ पर पार्क करनी, उसको भी ग्रीस करवा रहे हैं। अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर भी गंदा था, वो भी साफ़ करवाना है अभी, फिर यहाँ से निकलेंगे। और गाइस आज ना आपके भाई को ना बहुत ज़्यादा सर दर्द है भाई, बहुत ज़्यादा। हाँ मायूस बैठे हुए, क्या हुआ? चले भैया सर में भी दर्द है, नाक में भी दर्द है, आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे नशा करके बैठे हो भैया। कमेंट करेंगे भाई। नहीं भाई बीमार है बहुत ज़्यादा, आज ना बुखार जुकाम है। भाई की गाड़ी वहाँ पर रही, भाई ने मतलब जो काम करवाना था करवा लिया, मैंने भी करवा लिया। अपनी गाड़ी है ना वहाँ कांटा हो रहा है, क्योंकि भाई ऐसा सीन है ना गाड़ी अपलोड भी निकल ना जाए वो बॉर्डर पे आके, तो ये सोचा कि हम यहाँ पहले कांटा वगैरह कर लेते हैं। गाड़ी में कितना वेट है? 360 कट्टे ही डाले हुए, उन्होंने बोला 50 किलो का है, कभी कभी किसी में ज़्यादा होता है। तो गाइस आ चुके थे हम अपने रावत सर आ गए थे टाटा के गैराज में, पहले भी यहाँ पे आए हूँ। करवाना जो करवाओ डलवाओ ना, अंदर जाओ ट्यूब ले आओ। तो करेंगे। हाँ जी कैसा चल रहा है काम? बढ़िया जी। आ जाओ सर उसके लिए। एक नंबर काम। मैं आऊँगा, मैं पहले आपको फ़ोन कर दूँगा, आपका नंबर है मेरे पास। यहाँ रहे अपने भाई, आप वीडियो बन रही है ना, एक बार फिर से हैंडशेक कर लो। इनके पास तो मेरा पहले से नंबर सेव था। नहीं यार अपने भाई है सारे। तो गाड़ी भाई देख रहे हो, ये भी भाई की गाड़ी, ये सारी ना आज बैंगलोर जा रही है क्या? सारी गाड़ियाँ बैंगलोर जा रही है, और वहाँ भी छे वो भी। तो गाइस अपने बादशाह को भी अंदर बुला लिया। तो भाई अपनी गाड़ी में ना एक्चुअली ये वाली पाइप है ना कहीं से डीले, वो और था बात सुनो ना, हमारी गाड़ी में जब एक्सीलेटर दो ना ऐसे आवाज़ कर रही है, कोई पाइप डीली है इनमें से, कोई पाइप में से कुछ डीला, कोई पता नहीं है कौन सा ढीला, लेकिन है कोई ना कोई ढीला। वो चेक करो, पाइप कोई बुरी तरह लीक कर रही है, मतलब पूरी हवा ले रही है। अब अपनी गाड़ी की यहाँ रखी है, जम्मू से छोड़ देंगे, चेक करने नहीं
छोड़ देंगे पक्का अगर, लेकिन आज मैं तभी मानूंगा गाड़ी इन में पाइपों से कहीं ना कहीं से हवा मतलब अच्छे से जब चढ़ाई चढ़ो ना पूरी हवा ले रही। क्या सीन है? सीन बढ़िया है। तो गाड़ी का बोनट खुला क्यों? खोला क्या हो गया? हेलो, हाँ जी, क्या हो गया? आपने कटवाया? ये क्या है, ओरिजिनल? बोनट वगैरह खोल के रख दिया। तो भाई ये ले आए हम ट्यूब, ये देख रहे हो, ये गारंटी में है ना? हाँ। ये गारंटी में डल रही है? गारंटी में है ना अंकल? मेरे घर के बंदे देखो, आज हम मिले कितने पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही है कि इंट्रोडक्शन करते करते ना मेरे घर के बंदे निकले। तो ये वाली ट्यूबलाइट है हम भी डलवाएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी ना बार बार उड़ा देती है, और भाई ऊपर से ना गाड़ी की ना कोई पाइप वगैरह लीकेज कर रही है। तो मैंने सोचा यार एक बार चेक ही करवा लेते हैं। बोनट वगैरह हमने उठा लिया, देख रहे अंदर, चलो काम हो जाए फिर यहाँ से निकलेंगे। और ऊपर से ना भाई जो भी काम होता है ना वो गैराज में कराना पड़े, बाकी वाली फोर्थ सर्विस है ना जो वो देखते हैं यहीं से करवाएंगे, क्योंकि यहाँ ना रश वगैरह कम होता है। अंकल ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, यहाँ रही अंकल की गाड़ी, वो भी दिखाएंगे बाद में, अभी ये काम वाम चल रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन फोरमैन साहब, इलेक्ट्रिशियन, हेलो सर, क्या हाल है? बढ़िया से, ठीक है? आप ही कम करते हो इलेक्ट्रिशियन का? चलो हमारी गाड़ी का भी देख लेना थोड़ा सा, गाड़ी में ना थोड़ा यूरिया ज़्यादा ही खा रही है, बहुत मशहूर है इस काम में। गाड़ी कब लगाए सर्विस के लिए? YouTube के टॉप ऊपर रखना, ये हमारे पहले नंबर पे है। जम्मू की सब गाड़ियों का काम यही। आप कहाँ के हो बेसिकली? पंजाब के। पंजाबियों नाल अपने दिल मिले दे, ठीक है? पंजाबी कहते तो खा नहीं करता, समझ रहे हो? चलो अपनी गाड़ी की सर्विस वगैरह करवा लेंगे भाई, चौथी सर्विस है वो करवा लेंगे। सारे टाइट करना, कहीं से हवा ले रही, यही वाला ढीला था, सारे चेक कराना, ऊपर भी जाना करे तो लगन थलियां। बिल्कुल बिल्कुल। ये बंदा ना, ये बंदा मुझे झूठ बोल के अलग मुझे लाइटें चेंज करवानी है। आकिब अगर मेरी वीडियो देख रहा है ना, वो आकिब को समझाए, इसको समझा दे यार, कभी आ रहा है, कभी इंजन ऑयल चेंज करवाना है, कभी क्या, कभी क्या, भाई देख रहे हो? हाँ जी, गाड़ा है? हेलो, गाड़ा है? काला हो गया यार, इसमें पाउडर वाटर दूध वाला डालो तो वाइट करो, है ना भाई? और ये चीज़ देख रहे हो गाइस, ओए होए होए, इसमें मुंह दिख रहा है, देख रहा है, बिल्कुल साफ, एक नंबर भाई। तो चलो लाइट वगैरह इसकी भी होगी, हमारी भी होगी, हो गई ले आओ तो। हाँ हाँ, ओके ओके। बाबे देखियो, गिरना चाहिए। अब बाबे नहीं गिरते। ये क्या चीज़ है भाई साहब? ये इंजन उठाने वाली? हाँ भाई देख रहे हो, इसमें इसमें इंजन लटका के उठाना पड़ता है ना, क्या जुगाड़ है भाई, इसको उठा लेंगे। ऐ चाचू ये क्या चीज़ है, इंजन उठाने वाली? ये इंजन उठाने वाली, बस आपका इंजन अब उठेगा ना ऊपर, इससे निकाल के उस गाड़ी में डालेंगे। अच्छा अच्छा, उसमें किसमें डाला हुआ है? उसमें वो गाड़ी में। अच्छा, आ गया इंजन वापस? चलो कोई बात, अलबर से आया, अलबर से। भाई देख रहे हो कहाँ से कहाँ हम ड्राइवर हैं, हमारी मुलाकात कहाँ से कहाँ हो जाती है। चाचू मेरे घर के बंदे हैं अपने, तो मुझे आज पता चला कि ये अपने घर के बंदे हैं और हमारी मुलाकात ना पहली बार हो रही है। चलो अब नंबर वगैरह तो मैंने ले लिया, मिलेंगे कंटिन्यू। आए थे हम टाटा गैराज में गाड़ी, आज हमें एक गाड़ी मिल गई है। चाचू ले जाए गाड़ी, चलानी है ये गाड़ी आज हमें, ठीक है? तो भाई ये वाली गाड़ी चाहिए मुझे बस। चाचू कितने की ली हुई है ये? 75,000। कितने की? 75,000 की। कौन सा मॉडल है? 14। कितनी सवारी बैठाते हो? सवारी 10-12। ओ तेरे की, इतनी पासिंग है? पासिंग तो 3 ही। अच्छा इसको गियर यहाँ पड़ते हैं क्या? हाँ। भाई नदीम भाई रात को यहीं रखना है, चलना है, चलेंगे, लड़ाई हो जाएगी अभी, सारे भाई देख रहे हैं, ठीक है? जल्दी 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 काम करो यार, कोई भी काम है काम होके ही होता है भाई, होके ही होता है। ये हाथों की क्या हालत कर दी? ये हाथ देख यार, ये यहाँ देख रहे हैं मेहनती बंदा, क्या है, क्या घुमा आपको? ओ ये तेल खा रही है गाड़ी, ज्यादा साफ सफाई नहीं की है भाई, देख रहे हो ये चमका गया, देख रहे हो, देख रहे हो भाई ये वाली पाइप है, ये छोटी ने पूरी वाइट कर दी, ये वाली, ओए होए, ये वाली भी। तो मेरे अंकल की गाड़ी रही ये, कौन सा मॉडल अंकल? 2018 मॉडल गाड़ी, और देख रहे हो गाड़ी का ना मतलब इंजन में थोड़ी दिक्कत वगैरह आ गई थी, तो अंकल ने पूरा नया इंजन ले आया भाई, देख रहे हो बिल्कुल नया इंजन, फ्रेश देख रहे हो भाई, और ये देख रहे हो अभी बुक भी साथ लगी हुई है, इसकी भी गारंटी होती है फ्रेश की भी? कितने साल? वैसे तो कम टाटा 2 साल देती है, जितने तरह गाड़ी की गारंटी है उन्हें दे रही गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अपने ना बिल्कुल पूरा गाड़ी वाले का ख्याल भी रखते हैं, अच्छे से काम तसल्ली होती है फिर यहाँ से गाड़ी बाहर भेजते हैं। और अगर ऐसा भी होता है ना कोई गाड़ी भी अगर काम करवा के जाए, रास्ते में कोई दिक्कत हो वहीं पहुँचते हैं बंदे, वहीं भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना ये रावत सर मोटर, बिल्कुल रावत सर में जो भी भाई आए ना, मैक्सिमम हमारी जेंट की गाड़ियाँ आजकल ना यहाँ आ रही हैं। हम कंप्लीट, चलो भाई चलना है अपने, ठीक है भाई साहब, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छी सर्विस मिली, बहुत अच्छी, ठीक है सर, गाड़ियाँ वाले कमा रहे हैं और देखो यहीं जा रहे हैं, क्या करें, ठीक है भाई जान, ठीक है चाचू,
जनता या रात को कोई इधर ऐसे चोर कभी कभी दूर का चोर भी आगा हो जाता है कि यहाँ पहुंच जाए भाई। ठीक है बादशाह तो चला गया भाई, अभी निकल ही रहे थे भाई के साथ ही बैठा और यहाँ देख रहे हो गाड़ी में ना फिर से प्रॉब्लम आ गई है। लैपटॉप वगैरह लगेगा, कितना टाइम लगेगा और? बस 10-15 मिनट। मतलब इंजन ऑयल डाला ना तो कहीं पाइप वाइप पे प्लग वाला पे किसने ना वो रख दिया, तो अभी देख रहे हो उसमें दिक्कत आ रही है, तो भाई अपडेट कर रहे हैं। चलो भाई ने यहाँ पे भी रखी है मशीनरी, देख रहे हो ये वाली चीज़ यहाँ पे भाई ने लीड वगैरह यहाँ पे लगती है, देख रहे हो। आज की गाड़ियाँ ना बस ये चीज़ में ना बड़ी दिक्कत आ रही है भाई,